क्या नाम है मैम आपका? निर्मला कुमावत, आंगनवाड़ी जिला अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बहिष्कार क्या करेगा? कार्य का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, तो आंगनवाड़ी का जो हमने अभी पिछली जो धरना प्रदर्शन था उसमें सरकार को हमने अलर्ट किया था कि हमारा न्यूनतम मानदेय 18,000 किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि हमारे से जो बाद में कर्मचारी लगे हैं संविदा में थे उनको सरकार ने परमानेंट कर दिया और हम 45 साल से आंगनवाड़ियों पर इतना कार्य कर रहे हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के आंकड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिए जाते हैं लेकिन सरकार अभी जगी नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य है ना, जो भी सूचना चाहिए आंगनवाड़ी से ली जाती है। इसके साथ ही हमारे को जो अभी वर्तमान पोषाहार आंगनवाड़ियों पे दिया जा रहा है वो पोषाहार इतना घटिया है, इसका हमने जयपुर में भी प्रदर्शन किया था लेकिन सरकार को अभी तक पता नहीं है। आज प्रदर्शन कैसा रहेगा, प्रदर्शन किस तरह से रहेगा? प्रदर्शन ये रहेगा कि आज जो हम चक्का जाम करेंगे चित्तौड़ जिले के कलेक्ट्रेट पर, उस कल्याण जो चक्का जाम में हमारे जो जिला कलेक्टर महोदय हैं वो बाहर आकर हमारा ज्ञापन लेंगे और हम उनको सरकार को और जो हमारे यहाँ के अभी वर्तमान सरकार में जो है या विधायक महोदय हो या हमारे मंत्री महोदय हो, ये अगर हमारी सूचना विधानसभा सत्र में चित्तौड़ जिले के इस मंच से और इस कलेक्टर से नहीं पहुंचाते हैं तो हम 16 दिसंबर के बाद में 17 फरवरी को पूरे जिले की आंगनवाड़ियां बंद करेंगे और हमारी बहनें यहीं बैठकर अपना जो भी होगा दिन रात यहीं बैठेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी और जिला प्रशासन होगा।